सो दोस्तों हम लोग डिटेल में जानेंगे सारे ट्रिक्स के बारे में, वीडियो पर बने रहिए। जो ये कार्ड है फाइव ऑफ क्लब्स, आप देख सकते हो एक्चुअली ये फाइव ऑफ क्लब्स में दो कार्ड है, तो आपको इस तरीके से पेस्ट करना है, ठीक है। एक टेप लेंगे आप इस तरीके से और इस पर इस तरीके से रखे ऐसे साट देंगे, ठीक है। पेस्ट करने के बाद ये इस तरीके से फ्लैप होगा, राइट। अब इसे परफॉर्म कैसे करेंगे आप दिखाएंगे ऑडियंस को। एक कार्ड जैसा लगता भी है, बस इसको इस तरीके से रखना है, हाथ में इस तरीके से पकड़ेंगे। जब आगे हाथ को कवर करेंगे तो आपको इस तरीके से ड्रॉप कर देना है, ठीक है। ड्रॉप करने के बाद सामने से नहीं दिखने वाला, इसको इस तरीके से कवर करेंगे और इसको इस तरीके से बेंड करके पीछे ले जाएंगे। सो दोस्तों दूसरा ट्रिक कैसे हुआ था वो देखिए। एक आप पोकर चिप्स लेंगे, अगर नहीं है तो कॉइन भी ले सकते हैं, और इस तरीके का एक फेविक स्टिक लेंगे आप। आप इसको इस तरीके से रखेंगे, आप देख सकते हैं, मतलब आपका जो फिंगर है मिडिल फिंगर, और यहाँ इसको इस तरीके से छुपा लेंगे, राइट। इसको इस तरीके से पकड़ेंगे, दिखाएंगे, ठीक है। अब इसको सामने लाएंगे तो फ्रेंच ड्रॉप करना है लाइक इस तरीके से, तो ये फ्रेंच ड्रॉप कहलाता है। तो सामने ऐसे लाएंगे तो उसको ड्रॉप करेंगे और इसको पकड़ लेंगे इस तरीके से, राइट। इसको पकड़ें, दैट्स इट। दोस्तों कार्ड फोर्स एक्चुअली जो सिलेक्शन वाली कार्ड है उसको हमने फाइंड आउट कैसे किया था, इस ट्रिक के बारे में जानेंगे। एक कोई भी रैंडम दूसरे कार्ड का कार्ड लेंगे, इस केस में आप लेंगे एस ऑफ हार्ट्स, इसको इस तरीके से कहीं भी रख देंगे, राइट। यहाँ एस ऑफ हार्ट्स है और देखिए इस कार्ड के टॉप पे हमारा एस ऑफ हार्ट्स, यहाँ लगाएंगे फॉल्स सफल कुछ इस तरीके से, ठीक, ओके। एक बार मैं फिर बताऊँ, टॉप पे हमारा एस ऑफ हार्ट्स है, इसको स्विंग कट करेंगे, यहाँ रखेंगे, इसके ऊपर एक कार्ड कुछ कार्ड्स और रखेंगे, यहाँ इसको आप देख सकते हैं कि इसको यहाँ रोटेट करके डालें और ये ऊपर का कार्ड फिर वापस से ऊपर हो गया, तो ये हुआ हमारा एस ऑफ हार्ट्स, ठीक है। अब इस तरीके से रिफ़िल करना था, इस तरीके आपने रिफ़िल किया, ऑडियंस कहीं भी स्टॉप बोलती है, यहाँ मान लीजिए स्टॉप बोलती है, तो यहाँ से स्विंग कट करेंगे, एक टैप करेंगे, वापस से कार्ड इसी पर रखेंगे, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। इस केस में हो क्या रहा है कि जब स्विंग कट कर रहे हैं, ऑडियंस कहीं भी स्टॉप बोल रही है, बस स्विंग कट करके वापस यही कार्ड वापस से आ जा रहा है, तो इस केस में भी आप दिखा सकते हैं कि आपका सिलेक्शन वाली कार्ड ये सो कार्ड। सो दोस्तों इस ट्रिक में क्या हुआ था कि आपने एक रबर बैंड लिया था, ठीक है। रबर बैंड को पहले इस तरीके से रखेंगे, यहाँ देख सकते हैं कलाइयों के एकदम नीचे है हमारा, ठीक है। इसको यहाँ से पास आउट करना है, इसको खींचेंगे और थंब और इंडेक्स फिंगर के बीच से इस तरीके से पास आउट करेंगे, पास आउट करके यहाँ से क्लिप करेंगे, इस तरीके से क्लिप करेंगे, क्लिप करके वापस से लाएंगे, ठीक है, देख सकते हैं आप, क्लिप करके वापस से लाना है और इसके बाद तीनों फिंगर में फंसा देना है कुछ इस तरीके से। थंब है, इंडेक्स फिंगर है हमारा, मिडिल फिंगर है, इस तरीके से फंसाना है। जब आप यहाँ अंगूठे से यहाँ छोड़ेंगे तो इसमें आ जाएगा। एक बार मैं फिर बताऊँ, एक आप रबर बैंड लेंगे, रबर बैंड को पास आउट करेंगे थंब इंडेक्स फिंगर के बीच से, वापस से इसको पीछे की ओर ले जाएंगे, यहाँ से थोड़ा सा ऐसे इस तरीके से दबाएंगे और पीछे ले जाएंगे और इसको तीन फिंगर के बीच में इस तरीके से फंसा देंगे। फंसा देने के बाद जब अंगूठा रिलीज़ करेंगे तो ये इसमें आ जाएगा। सो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक, होप कि ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो फिर ट्रिक के साथ मिलते हैं, बाय, टेक केयर।